हेलो दोस्तों, हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप्स हो कि आपका दिन अच्छा गया होगा। बात सुनने में तो सही नहीं लग रही, क्योंकि मार्केट काफी गिरा था आज, काफी डाउनफॉल आया है मार्केट में, और आना भी था, जैसा कि हमने देख लिया था ऑलरेडी कि ईरान और इसराइल की जो भी टेंशन चल रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट और भी गिर सकता है। सो उसी बीच, इन सब टेंशन के बीच, मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन शेयर, मेड इन इंडिया शेयर, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली इसने जो भी डील्स किए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियोस पूरी देखिएगा। अभी कुछ ही रिसेंटली, नो पहले अप्रैल में ही, 2 अप्रैल को एक फर्स्ट डील हुई थी जो काफी पॉपुलर रही, बीएमडब्ल्यू के साथ इसने डील की थी। टाटा टेक्नोलॉजीज ने ज्वाइंट वेंचर किया था जिसके लिए, जिसमें कि वो सेमी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आज जो लेटेस्ट डील हुई है टेस्ला के साथ, बेहतरीन रहने वाली है टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सो शेयर में दम बहुत है, अभी सुस्ता रहा है शेयर, जिसे हम कह सकते हैं सुस्ता रहा है, कंसोलिडेशन पीरियड में कह सकते हैं शेयर को अपने। इसको हम देखते हैं, हम इसको डे टाइम फ्रेम में चेंज कर लेते हैं पहले तो। यस, तो इसका आईपीओ आया था अभी रिसेंटली, काफी पॉपुलर आईपीओ रहा था, काफी अच्छा ओपन भी हुआ था, काफी अच्छे प्रीमियम पे। तो हम इसका फर्स्ट सपोर्ट देख लेते हैं कि जहां से शेयर ने वापस अपना पुलबैक दिखाया है, इट इज नियर बाई 1020। सो एक फॉलिंग वेज भी बन रहा था शेयर में, फॉलिंग वेज देख लेते हैं। फॉलिंग वेज एक पुलबैक से पहले का फॉलिंग वेज अगर हम देखते हैं तो ये रहा, ये फॉलिंग वेज को रिसेंटली पुल बैक के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर ने अभी क्रैक भी किया कुछ दिनों पहले, और वहां से वापस वापस गिरना भी शुरू हुआ। और आज कंडीशन ये है कि शेयर कितना गैप अप हुआ देख लेते हैं, गैप डाउन हुआ सॉरी। कल मार्केट प्राइस जो बंद हुआ वो यहाँ, और उसके बाद शेयर आज ओपन हुआ था बॉटम पे, बिल्कुल अबाउट -4% ये ओपन हुआ था, और इसके 4% ऊपर, माइनस में ऊपर होने के बाद ये उस शेयर ने पुल बैक दिखाया और ग्रीन में ही बंद हुआ। तो शो इससे हमें पता लगता है, इससे हमें समझ में आता है कि डोमिनेशन तो हमारे बायर्स का ही रहा है। सो वेज पे है, फॉलिंग वेज पे है शेयर, हमें कॉशन रहना पड़ेगा। सो इसका सपोर्ट हम देख रहे हैं कि जो बन रहा है 1020, सपोर्ट 1020। सो शेयर अगर इस तक आता है, यहां से रिटेस्ट स्टार्ट करता है, रिटेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो हम शेयर में एंट्री कर सकते हैं, और इसे नीचे जाता है तो हमें वेट करना होगा कि कहां से रिटेस्ट, कहां से पुलबैक वापस स्टार्ट होता है। ओके, फॉलिंग वेज जो बन रहा है हमारा, ये एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है यहाँ पर, नो डाउट। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, दोबारा मेंशन करते हैं यहाँ पर फॉलिंग वेज, सपोर्ट भी बन सकता है, यहाँ से सपोर्ट भी शेयर ले सकता है, ठीक है। ये फॉलिंग वेज है, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको क्रॉस करके नीचे अगर आता है ये, तो सपोर्ट हमारा फिर 1080 ही होगा, स्टॉप लॉस भी हम इसे ही यूज करेंगे। बाकी एसआईपी अगर इसमें चलती रहे तो काफी बेटर है, शेयर में दम बहुत है, शेयर कभी भी बहुत ही अच्छा पुल बैक दिखा सकता है लॉन्ग रन के लिए। यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, लॉन्ग रन के लिए शेयर बहुत तगड़ा है, लॉन्ग रन शेयर है, बहुत दम है शेयर में, और हो भी क्यों ना, सर टाटा का है ये। तो अब जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो यही होगा,
नेक्स्ट रेजिस्टेंस शेयर में जैसा हमें दिखने को मिल रहा है, अब रेजिस्टेंस R1 यही हो R1। तो शेयर अगर इसे क्रॉस करता है तो काफी अच्छा, अगर शेयर इसके ऊपर बंद होता है तो बहुत अच्छा पुल बैक दिखा सकता है, और अपने 52 वीक जो भी हाई है इसका उसको ज्यादा दिन नहीं लगाएगा ये टच करने में। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि शेयर अपना कितना करेक्ट हो चुका है ऑल टाइम हाई से। शेयर अभी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है, ये अबाउट 27%, यही मेंशन कर देता हूँ इसको, करेक्शन 27.17% शेयर दिखा चुका है ऑलरेडी। यहां से पुल बैक जो हुआ था शेयर में वो देख लेते हैं, शेयर पुल बैक भी दिखा चुका है, 12.24% का पुल बैक दिखा चुका है अपने ऑल टाइम लो से, और वापस शेयर गिर चुका है अब जो रिसेंट हाई बनाया उससे, शेयर अभी गिर चुका है 7.7%। सो ये हैं शेयर के लेवल्स। लेवल्स जरूर जरूर याद कर लें आप लोग, की भूलें ना, क्योंकि ठीक है, नहीं, ये गलत जगह लग रहा है, इसको हम मेंशन कहाँ कर सकते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं। नहीं, ठीक है, R1 देख लिया, लॉन्ग रन शेयर है, सपोर्ट हमारा कहाँ बन रहा है वो देख लिया, कितना शेयर करेक्ट हो चुका है ऑल टाइम हाई से, और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये इसके हो गए टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस। और अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि मार्केट कैप क्या है शेयर का। मार्केट कैप है 43,000 करोड़, पी रेशियो के अकॉर्डिंग न्यूट्रल शो कर रहा है ये कि न्यूट्रल है, और पीवी रेशियो 14.5, RSI 45.6, और अब आता है बेस्ट पार्ट जो कि मेरा तो फेवरेट है, FII होल्डिंग, FII होल्डिंग 2.02%। ये मैं आपको बता दूं टिल दिसंबर क्वार्टर है, इसके बाद मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 1.93% है, सो ये हो गए शेयर के फंडामेंटल्स। आप देख के चेक करके जज कर सकते हैं कि शेयर की पोजीशन क्या है, ये मैंने बता दी, सारे पोजीशंस मैंने बता दिए हैं, लेना है नहीं लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको कलेक्ट करके अपने वीडियोस के जरिए शो करता हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो पोजिशंस आपको पता लगी हैं वो दूसरे को भी पता लगनी चाहिए, कि वो भी शेयर पे निगाहें रख सकें और चेक कर सके कि वो लेने लायक कंडीशन में है या नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, एंजॉय ट्रेडिंग, एंजॉय इन्वेस्टिंग, बाय बाय।